गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो भाई अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ और अभी चल रहा हूँ भाई मैं स्टेशन पे, और 8 बजे की यार मेरी ट्रेन है। चलता हूँ, फटाफट पहुँचता हूँ और बताता हूँ भाई कहाँ चल रहे हैं हम। चल भाई, अभी हम स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और अभी ट्रेन भी नहीं आई है। ऐसे ही होता है यार अक्सर कि जब आप पहले पहुँच जाओ ना ट्रेन ही लेट हो जाती है, और आप थोड़ा सा भी लेट हो जाओ ना तो ट्रेन टाइम पर हो रहती है। बिल्कुल भाई, कोई नहीं, फ़िलहाल अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, 1-2 मिनट बाद ट्रेन आ जाएगी बस। फिलहाल भाई इतनी देर वेट करने के बाद ट्रेन आ चुकी है, और 8 ट्रेन ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है यार। ये गली है और ना दिखता है, और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है स्टेशन पे यार। ये देखो, देखते भाई सीट मिलती है कि नहीं, या फिर गेट पे खड़े होकर जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, भीड़ कितनी है यार, भयंकर यार। चलो भाई चढ़ जाता हूँ इसी में। फाइनली भाई स्टेशन भी आ चुका है और तो चलते हैं यार, उतरते हैं। अभी दूसरी ट्रेन भी पकड़नी है भाई यहाँ से मुझे। चलो भाई, लो भाई टाइम हो चुका है 11:30 का और आ चुकी है अपनी दूसरी ट्रेन। फिलहाल भाई पहुंच चुका हूं अभी स्टेशन पे, और अभी आ रहे हैं जो मेरे चाचा के जो फ्रेंड है ना, वो ही मेरे चाचा ही लगते हैं, आ रहे हैं। अभी वेट कर रहा हूं भाई उन्हीं का। अच्छा, और अभी टाइम हो रहा है भाई 12:35। लो भाई आ गए हैं। आ रहा था पीछे, बढ़िया। राम राम। अच्छा, राम राम, जय श्री राम। चलो भाई चलो। लो भाई आ चुका हूँ घर पे अभी। आ गया।
तो भी भाई मैंने घर से खाना पीना खा के निकल गया हूँ मंदिर की तरफ, और अभी जा रहा हूँ मंदिर और आज आपको हनुमान जी का स्वरूप दिखाऊंगा तैयार होते हुए और पूरी झांकी दिखाऊंगा। अभी चल रहे सबसे पहले मंदिर में और दिखाऊंगा किस तरीके से भाई तैयार होते हैं वो लोग, ठीक है। और एक दिखाऊंगा किस तरीके से तैयार होते हैं, उसमें से मेरे चाचा भी हैं और जो कि स्वरूप निकलेगा हनुमान जी का, बहुत ही मस्त वाला है यार, देखना वीडियो में। भाई जो ये स्वरूप होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे आते हैं, जिनका मुकुट होता है वही कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये तक का होता है, और बाकी का खर्चा अलग, कम से कम 2-3 लाख का खर्चा आराम से आ जाता है भाई। बाकी आपको चल के दिखाऊंगा। भाई मैंने ये गमछा और एक ये लोवर भी डाल लिया जिससे पता लगेगा कि मैं मेंबर हूँ यहाँ का इसी का, इसलिए मुझे ये चीज़ मिल गई, मेरे चाचा ने दे दी कि ऊपर डाल के आता। टी शर्ट नहीं थी, टी शर्ट ये चल जाएगी कोई बात नहीं यार, बस ये दोनों चीज़ डाल ली। अब सही है यार, देख रहे हो मैं भी लग रहा हूँ ना पूरा मेंबर यहाँ का। तो चलते हैं भाई अभी नीचे। चलो भाई इधर रूप भी आ चुके हैं और अभी आ चुका है मेरे चाचा का नंबर रेडी होने के लिए, और अभी हो रहे हैं भाई रेडी, देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। जैसे ये महाराज लोग रेडी हो चुके हैं ना, वैसे अभी रेडी होंगे। और भाई ये जो रूप धारण वही कर सकता है, इसमें क्या सीन होता है भाई? और भाई इस रूप को वही धारण कर सकता है जो 40 दिन का व्रत रखना पड़ता है। 40 दिन पहले आपको इसको व्रत रखना पड़ेगा, उसके बाद आप ये रूप धारण कर सकते हो। और एक टाइम खाना खाना पड़ता है, वो भी सूरज ढलने से पहले, वो भी सेंधा नमक। 40 दिन यार, मतलब 40 दिन बहुत बड़े होते हैं, 1 महीना 10 दिन भाई साहब वही कर सकता है, हिम्मत वाला यार। और जो आप ये बांस टाइप का देख रहे हो ना, इसे डांग बोला जाता है भाई, जो कि स्वरूप को रोकने में मदद करता है। और ये भाई बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, ये देख रहे हो कितना बड़ा भाई। अब 15 भाई घुंघरू वो ये हो गए भाई पूरे रेडी, दिखाना चाहिए इधर भाई।
जय सिया राम। महाराज जी थोड़ा तेरे ऊपर क्या देखा कि ऊपर आ जान बट ऊपर एक ऊपर हां जो मांग रखा सही रहो दिल्ली भी हो गया लोग को दम रहा हां नीचे बजाओ का मेरे पे चढ़ाओ तुम महाराज जी बाबा रंग तो बड़ा कमड़ा थोड़ा ऊपर कर दे की बात है बाबा रंग तो भक्ता का बयान आती है जी हां ऊपर कर ले महाराज जी तो हो एक बारी लगा तो और ये है भाई अपने भोले बाबा देख सकते हो भाई सारे स्वरूप इधर तैयार हो रहे हैं और कुछ ही देर में भी यात्रा निकलेगी मस्त वाली चलेंगे यात्रा के साथ अंदर और ये रहे सारे स्वरूप ये देखो भाई साहब ये देखो भाई सारे स्वरूपों के अंदर लाइटें लगी हुई हैं लाइटें लगी हुई ना हाँ और ये देखो भाई ये जो चमकीला हनुमान जी के लगा रहता है मंदा बनते पूरे टाइट है भाई आ चुका है रूप और पहनेंगे अब मेरे साथ ये लो आ गए भाई राम जी सिंदूर क्या था भाई ये बहुत ज्यादा भारी होता है जय सियाराम
आप क्या मस्त लग रहे हैं यार। और भाई इधर भोले बाबा तैयार हो रहे हैं। चलो भाई आरती का टाइम हो चुका है, अभी आरती होगी, चलो अभी आरती करेंगे। सबसे पहले
Come on.
भाई कोई भी
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कोई भी सामग्री एक मिनट प्लीज दशहरा कमेटी के द्वारा किया जाता है और श्री राम सेवा मंडल द्वारा 511 रुपए दशहरा पर्व पर और अनुशासन का प्रज्ञा दें। We'll be right back.
फिलहाल भाई अभी आ चुके हैं वापस से मंदिर के अंदर और सब रूप सब वगैरह जो भी था वो देखो निकाल के रख दिया है यहाँ पे। और फिलहाल भाई इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ भाई। अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं सुबह से मतलब भाई मैं ना 3 बजे से उनके साथ ही पूरा घूम रहा था, यानी 8 घंटे लगातार भाई पैदल ही पैदल चल रहा था और पूरी कमर दर्द हो चुकी है यार, मेरे पैर इतने ज़्यादा तेज़ दर्द है, 8 घंटे लगातार चला हूँ पूरे पैदल। और भाई उनको तो मुझसे भी ज़्यादा दर्द हो रहा होगा क्योंकि एक तो स्वरूप जो इतना भारी था, कंधों पे सारा वजन पड़ रहा था उन लोगों के भाई, और उनको तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। सलाम है भाई उनकी हिम्मत और जज्बे को। पहले ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ मैं क्योंकि भाई ब्लॉग भी एडिट करना है, अभी एडिट नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और फ़ोन में सिर्फ 5% बैटरी है, फ़ोन पूरा डेड होने वाला है यार। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, यहाँ तक वीडियो देखी तो लाइक कर देना, मिलता हूँ कल सुबह एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम सभी को।